हाँ जी, यूनिट 7 का क्वेश्चन है, समाजिक पद्धरीकरण के सिद्धांत की व्याख्या करो। हम जे गल करिए समाजिक पद्धरीकरण की होंदा है, तो समाज में लोग इको बराबर नहीं रहिंदे, वो अलग अलग पद्धरां दे विच अलग अलग लैवल दे विच रहिंदे हन। उन्हां नूं अलग अलग लैवलां दे विच वंडिया होंदा है, अलग अलग तरह के समूह होंदे ने, जिवें कि धर्म के आधार पर, पैसे के आधार पर, आर्थिकता तौर पर जिहड़े गरीब हैं उन्होंने आधार पर, या फिर जे असीं पढ़ाई लिखाई के आधार पर करिए, तो एवें समाज में अलग अलग पद्धरां दे विच वंडिया होंदा है। हुण जे इहदे सिद्धांतां की व्याख्या करिए, तो साडे कोल सब तो पहला सिद्धांत जो आता है वह है संघर्ष का सिद्धांत। तो इहदे विच दित्ता गया है, कार्ल मार्सल ने दस्या सी कि सब तो वध जिहड़ा साडे कोल सिद्धांत मन्निया जांदा है वह है संघर्ष का। तो साडे समाज दे विच दो तरह के वर्ग मौजूद ने, पूंजीपती वर्ग अते मजदूर वर्ग। पूंजीपती वर्ग वह हो गया जिन्हां कोल बहुत ज़्यादा पैसे ने, अमीर वर्ग हो गए। मजदूर वर्ग जिन्हां नूं आर्थिक खेत्र दे विच या आर्थिक तौर पर मजबूत होने के लिए किसी ना किसी तरह का मेहनत भरिया काम करना पैंदा है। तो उत्पादन के साधन जिहड़े ज़्यादातर होंदे ने पूंजीपती वर्ग के कोल होंदे ने। पर साडे कोल जो कार्ल मार्स है उसने दस्या है कि उत्पादन के साधन इको वर्ग तक सीमित ना हो के बाकी सारयां लई भी बराबर होने चाहिए ने। हर व्यक्ति नूं विकास करन दे लई बराबर मौके या चंगे अवसर मिलने चाहिए हन, ताकि वह संघर्ष करन तो बाद अपना अहुदा वधा सके समाज दे विच। इस तो बाद साडे कोल आउंदा है कामवादी सिद्धांत। हुण जे गल करिए कामवादी सिद्धांत की, तो इहदी व्याख्या किंग्सले डेविड ने की है। उसने दस्या है कि साडे समाज विच वर्ग जरूर हुंदे ने, कोई भी समाज अजिहा नहीं हुंदा जिहदे विच वर्ग ना होण। वर्ग तां हुंदे ने क्योंकि व्यक्ति अपनी योग्यता ते बुद्धि अनुसार अलग अलग अहुदिआं उपर नियुक्त किया जा सके। हुण जे गल करिए असीं अपने देश की ही गल करिए, तो जे कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनन की गल करे या कुछ भी बनन की गल करे, तो उसनों डॉक्टर बनन की गल करे या इंजीनियर बनन की गल करे, तो उस दे विच उवें दी योग्यता होनी चाहिए है, उस दे विच ओह बुद्धि होनी चाहिए है जिहदे नाल ओह लोकां लई कम कर सके या जिस काम लई ओह कह रहा है उहनूं अपना पूरा योगदान दे सके। तो जे समाजिक दृष्टि दे नाल असीं अहुदिआं नूं देखिए, तो अहुदे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंदे हन, ते इन्हां अहुदिआं दे लई इनाम या इन्हां दे बदले च कुछ ना कुछ मिलन की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए है। इस तो बाद जो साडे कोल सिद्धांत आता है वह है मैक्स वैबर का सिद्धांत। मैक्स वैबर ने भी मार्क्सवाद की तरह संघर्ष में ही सब तो वध महत्व दिता है। इन्हों का कहना है कि साडे जो भी वर्ग बने होंगे हैं वह आर्थिक कारकां करके ही बने ने। आर्थिक खेत्र दे विच सत्ता ते शक्ति सब तो वध महत्वपूर्ण हैं। जिस भी व्यक्ति कोल या जिहदे कोल भी शक्ति है वह सत्ता प्राप्त करन दे विच समर्थ हुंदा है, किसी भी तरह अपने कोल सत्ता प्राप्त कर सकता है। तो जे कोई बंदा संघर्ष करता है या जिहदे कोल शक्ति है वह सत्ता प्राप्त करन दे विच भी कामयाब रहिंदा है, जो समाज दे विच उच्चा दर्जा प्राप्त करता है। इस तो बाद साडे कोल आउंदे ने कई तरह के होर सिद्धांत, जिन्हां दे विच अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिते हन। इन्हां विच सब तो पहला जिहड़ा साडे कोल आउंदा है वह है वार्नर। वार्नर ने दस्या है कि समाज दे विच कई तरह के अध्ययन के नाल असीं दस सकते हैं अलग अलग वर्ग होंदे ने। जे उच्च वर्ग की गल करिए, तो उच्च वर्ग दे विच सब तो पहला उच्च वर्ग आंदा है, फिर उच्च दरम्याना या उच्च नीवां वर्ग। तो उस तरह जो असीं नीवें वर्ग की गल करिए, नीवां वर्ग, नीवां दरम्याना वर्ग या सब तो हेठला वर्ग। तो वार्नर ने इसनों कई तरह के वर्गों के वंडिया है। इस तो बाद श्री राइट मिल्स की गल करिए, इन्हों का कहना है कि साढ़े को सब तो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वह है शक्ति। जिस भी व्यक्ति को शक्ति है तो वह अपने काम या अपने अहुदे नूं वधा सकता है, अपना अहुदा समाज दे विच वड्डा रख सकता है। जिहड़े व्यक्ति आर्थिक तौर पर ज़्यादा मजबूत होंदे ने वह भी सेना के उच्च अधिकारी नाल संबंध कायम करते हैं। वो उच्च सेना के अधिकारी नाल ही क्यों संबंध कायम करते हैं, क्योंकि सेना के कोल सब तो वध शक्ति होंदी है। तो इस तरह साडे कोल समाजिक पद्धरीकरण की होंद पैदा हो जाती है। उस तो बाद साडे कोल पार्सन्स की जो सिद्धांत आता है, पार्सन्स ने दस्या है कि योग अहुदिआं दे अनुसार योग व्यक्तियों नूं लभ्या जाना चाहिए है, या जो भी साडे कोल अहुदे ने महत्वपूर्ण अहुदे ने उन्हां दे लई व्यक्ति नूं उहदी योग्यता दे अनुसार होना चाहिए है।
ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।